नमस्कार। अब हम आपको टॉपिक के बारे में बताते हैं। आज हम आपको दो बातें बताएंगे। एक तो ये कि थ्री फेज सप्लाई में ये जो 120 डिग्री का एंगल होता है इसका मतलब क्या होता है, और दूसरा बताएंगे ये 120 डिग्री ही क्यों होता है, कम ज़्यादा क्यों नहीं होता। यहाँ पे हमने एक थ्री फेज जनरेटर दिखाया है जो थ्री फेज सप्लाई जनरेट कर रहा है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज। और यहाँ पर हमने इस आर फेज का वोल्टेज दिखाया है, ये टाइम स्केल है। तो वोल्टेज जीरो से शुरू हो रहा है, बढ़ता है, फिर जीरो हो जाता है, फिर निगेटिव में जाता है, फिर जीरो हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल है, और भी साइकिल होते हैं, लगातार होते रहेंगे, मगर मैंने सिर्फ एक साइकिल दिखाया है। अब हम आपको वाई फेस का वोल्टेज दिखाते हैं। ये देखिए, ये वाई फेस का वोल्टेज है। तो ये जनरेटर होता है उसमें वाई फेस का वोल्टेज ऐसे जनरेट करते हैं कि वो आर फेस से थोड़ी देर के बाद शुरू हो। देखिए, आर फेस यहाँ शुरू हो रहा था, वाई फेस यहाँ शुरू हुआ है कुछ समय के पश्चात, या लेट शुरू हुआ है। ये भी पहले प्लस में जाएगा, फिर माइनस में जाएगा, बस ये लेट शुरू हो रहा है। तो आर फेस का एक साइकिल ये है, वाई फेस का एक साइकिल ये है। अब हम आपको वी फेस दिखाते हैं। ये देखिए, ये इस बी फेस का वोल्टेज है। यहाँ भी हमने एक साइकिल दिखाया है, बस फर्क क्या है, जो बी फेस का वोल्टेज है वो वाई फेस के वोल्टेज से लेट शुरू हो रहा है। ये देखिए, इतना लेट है। आर फेस का वोल्टेज यहाँ शुरू हुआ था, वाई का कुछ समय के बाद यहाँ शुरू हुआ, और फिर बी फेस का और थोड़ी देर के बाद शुरू हुआ, और फिर एक साइकिल आएगा। तो थ्री फेज जनरेटर में आर वाई फेस ऐसे ही जनरेट करते हैं। अब ये आर का साइकिल दोबारा यहाँ शुरू हो जाएगा, हमने दिखाया नहीं है। वाई का यहाँ एक साइकिल और आएगा, ऐसे ही आते रहेंगे, और बी का यहाँ पे एक साइकिल और आएगा, आते रहेंगे। यहाँ पे भी होगा, मैंने दिखाया नहीं है, मैंने स्टार्टिंग दिखाई है एक साइकिल की समझाने के लिए। अब अगर 50 हर्ज है तो एक साइकिल का टाइम ये या ये या ये 20 मिली सेकेंड होता है। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मिली सेकेंड है। इसको अगर हम तीन भाग में बांट दें तो 6.67, 6.67 और 6.67 आएगा। तो R के बाद जो वाई फेस शुरू होता है वो 6.67 मिली सेकेंड के बाद शुरू होता है। इसी प्रकार जो बी वाला है वो वाई के बाद 6.67 मिली सेकेंड के बाद शुरू होता है, उसके बाद यहाँ से आर फिर शुरू हो जाएगा। देखिए, बी और आर के बीच में टाइम नापे फिर भी वही आएगा, यहाँ पे आर दोबारा शुरू होगा। तो हमने 20 मिली सेकेंड को तीन भागों में बांट दिया है। आर फेस यहाँ से शुरू हो रहा है, वाई यहाँ से शुरू हो रहा है, बी यहाँ से शुरू हो रहा है, और तीनों का टाइम पीरियड 20 मिली है, तीनों की फ्रीक्वेंसी वही है। अब क्या होता है, हमने यहाँ वेव शेप तो दिखा दिए, लेकिन जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो इससे कैलकुलेशन नहीं होता, उसके लिए कुछ नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं। तो जिन लोगों ने कैलकुलेशन बनाए उन्होंने इसके नए नए तरीके ढूंढे, उनमें से एक तरीका है एंगल वाला। फिर कैलकुलेशन करने वालों ने कहा कि इस 20 मिली सेकेंड को हम 360 डिग्री बोलेंगे। 360 डिग्री नहीं है, जो तीन वायर हैं वो तीन वायर हैं, उनके बीच में कोई एंगल नहीं है,
ये सिर्फ एक कैलकुलेशन करने का तरीका है कि हम क्या करेंगे, 20 मिली सेकेंड को 360 डिग्री मान के चलेंगे। फिर हमने क्या किया, इन तीनों को इन थ्री वेक्टर से दिखा दिया कि हम ऐसे ड्रा करेंगे। ये एक्चुअली फेजर होते हैं, वेक्टर नहीं होते क्योंकि इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। देखिए, इनका कैलकुलेशन वेक्टर की तरह होता है, इसलिए हम उसको बार बार वेक्टर बोलते हैं, वो इजी होता है समझने में। तो हमने कहा अपने कैलकुलेशन के तरीके में कि इसको हम इस तरह दिखाएंगे, इसको हम इधर दिखाएंगे और इसको हम वी फेस को ऐसे दिखाएंगे। और चूंकि हमने 20 मिली सेकेंड को 360 डिग्री के बराबर मान लिया है, तो तीन डिवाइड करें तीनों को बराबर बराबर 360 को, तो क्या आएगा 120। तो यहाँ से यहाँ तक 120 आएगा। अगर इसको हम 360 मान लें तो ये 120 आएगा, ये 120 आएगा, ये 120 आएगा, इसीलिए इसको यहाँ 120 डिग्री दिखाया है। देखिए, तो ये तीनों एंगल 120 डिग्री हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करने का एक तरीका है। अगर हम ये मेथड फॉलो करें तो बहुत से कैलकुलेशन आसानी से हो जाते हैं। एक्चुअल करंट में या वोल्टेज में एंगल कहीं नहीं है, और इस एंगल को बोलते हैं फेस एंगल। मतलब इसके और इसके बीच में जो फेस एंगल है वो 120 डिग्री है। यह सिर्फ कैलकुलेशन करने का तरीका है, एक मेथड है। जैसे कैलकुलेशन एक मेथड है, ट्रिग्नोमेट्री एक मेथड है, बहुत सारे हैं मेथड, उनमें से एक मेथड है जिससे हमारे कठिन कैलकुलेशन इजी हो सकें। समझ गए ना? तो एंगल कहीं कुछ नहीं होता, हमने सिर्फ कैलकुलेशन करने का एक तरीका ढूंढ निकाला है। मैंने नहीं, मतलब जिन्होंने ये बनाया था, मैंने भी उन्हीं से किताबों से सीखा है। तो उन्होंने कहा कि 20 मिली को हम 360 डिग्री मानेंगे और इसको तीन भागों में डिवाइड करेंगे तो 120, 120, 120 आएगा। ऐसा करने से हमारे बहुत सारे कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने 50 हर्ट्ज दिखाया है। अगर ये 60 होता, 70 होता या 40 होता तो भी उसको हम 360 डिग्री मानते हैं। मान लीजिए ये 70 हर्ट्ज है, तो 70 हर्ट्ज में ये टाइम पीरियड कम हो जाता, उस टाइम को हम 360 डिग्री बोलते हैं। एक साइकिल का टाइम जो भी हो वो बराबर होता है 360 डिग्री के कैलकुलेशन में। एक्चुअली नहीं होता, 20 मिली और 360 बराबर नहीं होते। ये हमारा कैलकुलेशन करने का तरीका है बस। इसीलिए यहाँ पे देखिए, मैंने बराबर नहीं दिखाया है, मैंने एरो मार दिखाया है कि इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे। और जो टाइम गैप है, ये क्या करते हैं, जो जनरेटर है उसमें वाइंडिंग थोड़ा डिफरेंट लोकेशन में रहती है, जिससे ये टाइम गैप आ जाता है। अब अभी हमने आपको एक तरीका बताया कि टाइम को एंगल में बदल देते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, लेकिन और भी कई तरीके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको साइन ओमेगा टी की तरह लिखते हैं, ये तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे। ये वाला अभी हमने बताया है। इसी प्रकार इस तरह भी इसको लिखते हैं, ए प्लस जे बी भी लिखते हैं, ई की पावर जे ओमेगा टी भी लिखते हैं। यहाँ हमने और भी तरीके बताए, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं उसमें ये और ये बहुत यूज होता है। मैंने अपने कई प्रोजेक्ट में ये यूज किया है कैलकुलेशन करने के लिए। ये सब मेथड हैं, मैथमेटिकल मेथड हैं। ये भी सही यही है, वास्तविकता यही है टाइम गैप। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा अभी।
अब हम आपको बताएंगे कि ये एंगल 120 डिग्री ही क्यों है। देखिए दो ड्राइंग हमने दिखाई हैं, यहाँ पे तीनों 120, 120, 120, तीनों 360 डिग्री हो गए ना, बराबर बराबर हैं। यहाँ पे एक 60 है, दूसरे 150, 150 हैं, ये तीनों जोड़ दीजिए तो 360 आ जाएगा। क्या होता है कि अगर ये तीनों एंगल हम बराबर रखेंगे तो हम किसी को भी आर फेस कह सकते हैं। देखिए ऐसे रखिए, इसको आप आर बोलिए, इसको आर बोलिए, या इसको आर बोलिए, कोई लिमिटेशन नहीं है, ये सिमेट्रिकल है। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये और इसके बीच में ये दूरी ज़्यादा है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक करीब इतना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना है, तो लाइन टू लाइन जो वोल्टेज होगा वो बदल जाएगा। इसके बीच में कम होगा, इसके बीच में और इसके बीच में ज़्यादा होगा। ऐसा होने से हमें जो मोटर है उसकी वाइंडिंग अलग अलग वोल्टेज की बनानी पड़ेगी, जनरेटर में हमें वाइंडिंग अलग अलग वोल्टेज की बनानी पड़ेगी, कहीं ज़्यादा वोल्टेज जाएगा कहीं कम वोल्टेज जाएगा, सभी के बराबर वोल्टेज जाना चाहिए ना। ये तभी संभव है कि तीनों एंगल बराबर हों। अगर ये तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर तब होंगे जब एक 120 डिग्री हो। 360 को तीन से डिवाइड कर दीजिए तो 120 आता है ना, इसीलिए 120 है। तो तीनों को बराबर रखने के लिए 120 जरूरी है। उस समय आप ये वोल्टेज नापो यहाँ से यहाँ तक, या ये नापो या ये नापो, तीनों बराबर जाएंगे, कम ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ पे वोल्टेज कम ज़्यादा होगा, मोटर बनाने में प्रॉब्लम आएगी, जनरेटर बनाने में प्रॉब्लम आएगी, इंसुलेशन भी कम ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए एंगल बराबर होते हैं। दूसरा क्या है कि जो मोटर होती हैं, इंडक्शन मोटर, मोटर को गर्म होने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि तीनों फेस का वोल्टेज बराबर हो, उनके बीच का एंगल बराबर हो। अगर आपने ऐसा दे दिया तो मोटर बहुत गर्म हो जाएगी, हो सकता है जल भी जाए। जो थ्री फेस ट्रांसफार्मर हम बनाते हैं उनमें भी ये तीनों बराबर होने चाहिए और बराबर एंगल पे, नहीं तो ट्रांसफार्मर की कोई वाइंडिंग कम वोल्टेज पे होगी कोई ज़्यादा पे होगी, तो वो ट्रांसफार्मर महंगा बनेगा बड़ा बनेगा, ठीक है। मैं फिर से बता दूँ आपको, ये जो 120 डिग्री है ये 360 का 1/3 है, और 1/3 इसलिए किया है कि तीनों एंगल बराबर रहें जिससे सारे वोल्टेज बराबर रहें। फ्रीक्वेंसी तीनों की बराबर होती है, ये फेस हो या ये फेस हो या ये फेस हो। अब आज यहीं समाप्त करते हैं।